नमस्कार दोस्तों, मैं रसिक खान कुछ खास है मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं लेकर चलने वाला हूँ आपको ललितपुर के गोविंद सागर बांध में। और अभी जैसा कि हमारे सहयोग मित्र ने बताया था कि इसको साइपन घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तो ये जो इस वक्त हम साइपन पर ही खड़े हैं और ये जो साइपन है वो भारत के चुनिंदा बांधों में हैं। और इनका साइपन का जो काम क्या होता है कि जब वाटर लेवल जो डेंजर जोन से ऊपर आता है तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती हैं और वाटर लेवल को सीधा कर देती हैं। तो इस वक्त मैं जो साइपन के पीछे हूँ, आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि साइपन आप देखिए होते कैसे हैं, इनका कार्य क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइपन दिखाए थे उस तरफ,
लेकिन ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं साइफन का पिछला हिस्सा है, यानी वहाँ से पानी प्रेशर बनाता है डैम से और इस तरफ निकलता है पानी। आप ये देखिए हमारे सामने ये जो हॉल है ना, इन हॉल से इतना पानी निकलता है कि देखने लायक होता है। ये निश्चित नहीं है कि कब चलें, साइफन चलने का निश्चित समय नहीं होता है, कई क्योंकि वो वाटर लेवल पर डिपेंड रहता है, तो हो सकता है वो 2 साल ना चलें, हो सकता है 5 साल ना चलें, हो सकता है ये चालू हुए बंद होने के बाद फिर दोबारा चल जाएं, उन्हें ऑटोमेटिक स्टार्ट होते हैं ऑटोमेटिक बंद होते हैं जहाँ तक है मुझे जानकारी है। तो आप देख लीजिए उसका ये बैग कितना गजब का नज़ारा है। और ये जो सामने देख रहे हैं ना आप, ये बड़ी नहर है, यहीं से नहर निकलती है सिंचाई के लिए, ये बड़ी नहर है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार।